अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 12 व्लॉग। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइस आर हैविंग अ ग्रेट एंड अ ब्लेस्ड रमजान। लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। हेलो गाइस, ईटिंग पास्ता इन टुडेज डिनर। मेहरान खाना, सो यम, आई लव पास्ता। अरी अब स्टार्ट हो चुकी है, वल्दान ने शावर ले लिया है और अब वल्दान पहनेगा ओके गाइस, सो इस टाइम मुझे रात को एकदम से बहुत भूख लगी है क्योंकि आज रात मैंने डिनर नहीं किया। तो अब मैं यहाँ पर नूडल्स बनाने आई हूँ किचन में। हाय विल्दान, यहाँ विल्दान अपनी योगर्ट और रोटी खा रहा। विल्दान विल्दान यहाँ अपनी योगर्ट एंड रोटी खा रहा है और मामा विल ईट नूडल्स। मैं दोबारा किचन में आ चुकी हूँ क्योंकि ये थे बहुत सिंपल। तो अभी मैं इसमें ये हमारा केचप एक्चुअली खत्म हो गया। मैं कब से मेहरान को कह रही हूँ केचप लेके आओ। कौन केचप? आर्टिकल 6 तुम पे लगना चाहिए। क्यों? नूडल्स के साथ गद्दारी कर रही हो तुम। कैसे? इसमें मैकडॉनल्ड का केचप डाल, इसमें मैं मैकडॉनल्ड्स का केचप डाल रही हूँ। केचप मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि बहुत ही सिंपल था यार। नहीं बता सकता। खाने की खोज में आयो? नहीं, तुम्हारी खोज में। खाना तो तुम खा चुके। आज मैंने तो मजे का बर्गर लाए, अंडे वाला बर्गर, अंडी वाला बर्गर खाया है मेहरान ने और मैं यहाँ नूडल्स खा रही हूँ क्योंकि आई डोंट लाइक अंडे वाला बर्गर। विल्दान टर्न ऑफ द लाइट्स। मामा टर्न ऑफ द लाइट्स। सुना नहीं है? नो। सुना नहीं है? यस यस। सुना नहीं है? नो। कब सो गए? कब सो गए? विल्दान प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स यार, आई वांट टू स्लीप। टच मी। हां एडू दे यू। हा हा। ड्रामा अब आ रही है तुम्हें फाइनली नींद? यू स्लीपी? ओह माय बेबी, यू स्लीपी नाउ? मोमो पास आओ, लेट्स स्लीप। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। ये मेरी डे का सबसे मुश्किल मोमेंट जहाँ पे मुझे आयरनिंग करनी पड़ती है। दुपट्टे प्रेस करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। डे बड़े होते हैं, एक जगह से प्रेस करो दूसरी जगह से ख़राब हो जाता है। दुपट्टा, शर्ट, शलवार एंड माय लैब कोट। जी डॉट की शर्ट है मेरी, शलवार मेरी आई डोंट नो कहाँ की है और दुपट्टा मेरा किसी दूसरे सूट के साथ का दुपट्टा है। तो मैं ये सारे मिक्स एंड मैच करके कपड़े पहनती हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डे 12 व्लॉग। एंड आज है मेरा वर्क डे और इसीलिए मैं जल्दी जल्दी मैंने सुबह कपड़े प्रेस किए, मूड होया अपना और अब मैं अभी आपके सामने हाजिर हूँ। मुझे निकलना है, आज मैं जल्दी निकल रही हूँ। लास्ट टाइम मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, तो लास्ट टाइम मैं बड़ा लेट हो गई थी तो आज मैं जल्दी निकलने वाली हूँ। ये मैं मेरियाना ऑर्गेनिक्स का फेस मिस्ट आज यूज़ कर रही हूँ, मैं मॉइस्चराइज़र आज यूज़ नहीं कर रही क्योंकि थोड़ा सा मुझे खदशा है ब्रेकआउट्स का। ये बड़ा अच्छा मिस्ट है, इसमें लाइक ऐसी हाइड्रेशन मिलती है फेस को और
या ग्रीसी भी नहीं होता और फ्रेशनेस भी आती है, थोड़ा मैं सेटल डाउन हो। आज मैं गाइस जल्दी निकल रही हूँ, विल्दान सो रहा है, सनब्लॉक लगा लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए मेरी स्किन थोड़ी सेटल डाउन हो गई है। सो गाइस आज का कोई ख़ास प्लान नहीं है, आज मैं जाऊंगी अभी प्रैक्टिस पर, उसके बाद मैं वापसी पे सोच रही हूँ कि अम्मी अब्बू आए हुए हैं कराची में, तो मैं सोच रही हूँ उनकी तरफ से चक्कर लगा लूँ अगर हो पाया, अगर मैं जल्दी फ्री हो गई, वरना फिर मुझे घर पे आना पड़ेगा और हम फिर कल जाएंगे मिलने के लिए। ओके गाइस सो आई एम रेडी टू गो। अच्छा एक और बात, जो लोग बैठ के मेरे फेस के मोल्स गिनते हैं और मुझे बताते हैं आपके फेस पे इतने 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 मोल्स हैं, तो हाँ जी मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा मोल्स हैं। एंड या जब मोल्स डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आई थी, मतलब इतने भी नहीं है, मतलब 6-7 हैं, हाँ यस। तो जब मोल्स डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आई थी, तो सबको जब ऐसे 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 डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, तो मुझे ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। एनीवेज बट आई लाइक माई फेस मोल्स। एक टाइम था जब मुझे नहीं पसंद थे मेरे स्कूल के टाइम पे, बट नाउ आई एम यूज टू इट, तो अब मुझे बुरा नहीं लगता, अब मुझे अपना एक पार्ट लगते हैं। तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि तुम्हारे फेस पे सूट भी करते हैं, सो या अब मुझे भी ऐसा लगने लग गया, जब लोगों ने कहा इतना तो फिर मुझे भी ऐसा लगता है, तो अब मैं अपना फेस मोल्स के बिना इमेजिन नहीं कर सकती। चलिए मेहरान, टाइम क्या हो रहा है? बाय बाय बाय। गुड मॉर्निंग माय बेबी, सी यू सून, ओके, सी यू जून। गाइस सो आई एम रेडी टू गो। अच्छा कोई कह रहा था कि आप इस मिरर के सामने अपना आउटफिट क्यों नहीं दिखाती, क्योंकि यार यहाँ पे लाइट सही से नहीं आती। आई डोंट नो अभी भी आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, तो यहाँ पे जो लाइट है ना वो बड़ी बेकार है, लाइक है ही नहीं। तो मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि यहाँ पे शायद अगर मैं हो सके तो वैनिटी लाइट्स लगवाऊँ या क्या करूँ जिससे यहाँ पे लाइट आए। यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, वरना यहाँ पे मैं एक लाइट लगवाती जो मेरे फेस पे पड़ती है। कोई लाइट का सिस्टम नहीं है, तो इसकी वजह से मैं ये मिरर बहुत कम यूज करती हूँ। चले ये देखिए गाइस, ये है बहरिया यूनिवर्सिटी। इस तरह कभी मैं भी जाया करती थी यूनिवर्सिटी। ऑल दू गाइज, यूनिवर्सिटी जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बट ये होता है जब वो टाइम गुजर जाता है फिर आपको याद आता है, आप मिस करते हैं उस टाइम को। तो मेरे साथ भी अभी वो नॉस्टैल्जिया वाला सीन हो रहा है, बट इस टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे यूनिवर्सिटी जाना बहुत लाइक बुरा लगता था। ना मैं स्कूल शौक से जाती थी, ना मैं यूनिवर्सिटी शौक से जाती थी। सो गाइज फ्यूल स्टेशन आ चुके हैं। गाइस ये जो बिलबोर्ड पे KFC मैकडॉनल्ड्स वाले जो ये टेम्पटिंग फोटोज लगाते हैं ना, तो मैं ये सोचती हूँ कितनी ज्यादती करते हैं, और रोज़ेदारों के साथ तो बहुत बड़ी ज्यादती है। इतना मेरा भी देख के खाने का दिल चाह रहा था जो KFC वालों ने जो एडवर्टाइजमेंट की भी है, फुल फ्राइड चिकन मज़े की कंट्रोल से इतना, बट आज मैं खाने वाली हूँ। यार कितना अच्छा तरीका है ना एडवर्टाइजमेंट का, वैसे देखा जाए तो सामने बोर्ड पर नज़र आ रहा है तो आपका खुद ब खुद दिल चाहता है कि आप नहीं खाओ। सो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ, मेरा ड्राइवर भी क्या सोचता होगा, किससे बातें करती रहती हूँ, उससे नहीं पता कि मैं किस से नहीं बातें करती, आप सब से बातें करती हूँ, खुद से बातें नहीं करती। क्या नाम है इसका? हेज़ल। आते हुए गाइस आई जस्ट सॉ अ वुमेन राइडिंग अ बाइक, आई एम ग्लैड इट्स गेटिंग नॉर्मलाइज, और लोग अब इस चीज़ को इतना लाइक बड़ा इशू नहीं बनाते। आई डोंट नो, मैं बहुत लाइक हैप्पी फील करती हूँ किसी भी विमेन को इंडिपेंडेंट देख के, या तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूं। आई नो इंडिया में इट्स वेरी कॉमन, बट इन पाकिस्तान अब हो रहा है कॉमन। ओके गाइस, गर्मी शदीद है, शदीद वाली गर्मी, आई एम लिटरली बॉइलिंग राइट नाउ। फॉर यू ऑल जो सोच रहे हो इस टाइम पे एसी चल रहा है एंड ऑल, बट देयर इज नो एसी इन लाइक
दिस रूम जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि दिस इज़ अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो यहाँ कोई एसी का कोई सीन नहीं है ना। हाँ फैन चल रहा है बट एसी नहीं चल रहा। कभी कभी मैं सोचती हूँ कितना अमेजिंग प्लेटफॉर्म है ये, जहाँ पे मेरी सारी स्ट्रगल्स कलेक्ट हो रही हैं। मैं कभी आगे जाती हूँ, कभी मैं इंशाल्लाह वेटनरी सर्जन बन जाऊँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं से ऑफकोर्स। तो फिर मैं आगे जाके अपनी स्ट्रगल्स देखूँ कि मैंने क्या क्या स्ट्रगल की यहाँ तक पहुँचने के लिए, कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ पर एंड किया। चलो जी, इट्स 4:30 एंड इट्स टाइम टू गो बैक होम। और मेरा ड्राइवर नहीं है, कहाँ गया है ये? ओके जी, आ गया फाइनली मेरा ड्राइवर। आज डॉगो नहीं है मुझे वेलकम करने के लिए, क्योंकि बिल्दान लेके जा चुका है उसे। My baby. What were you doing? I eat watermelon cup. My baby, did you miss mama? Yeah. Mama. Did you miss mama? Yes. You know what? I am back, और मैं अब थोड़ा सोने वाली हूँ। कमिया, मैं अब थोड़ा सोने वाली हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा थी आज, बहुत ज़्यादा। ऊपर से ट्रैफिक, ओह माय गॉड, शदीद वाला ट्रैफिक था। तो अब मैं थोड़ा सा सोने वाली हूँ, थोड़ा सा आराम करने वाली। ओके बाय।